परसगांव से इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। गौ तस्करी पर पुलिस का एक्शन, 93 गौवंशों को ले जा रहे दूसरे राज्य, बालोद से उड़ीसा लेकर जा रहे थे, खा पाए कोई दस्तावेज। 3 युवकों से पुलिस ने की पूछताछ। कोंडा गांव के बासकोट चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, परसगांव से 3 युवकों से पूछताछ पुलिस ने की है। कोंडा गांव के बासकोट चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गौ तस्करी पर पुलिस एक्शन मोड पर दिख रही है। 93 गौवंशों को ले जा रहे थे दूसरे राज्य, बालोद से उड़ीसा लेकर जा रहे थे गौवंश और नहीं दिखा पाए इससे जुड़े हुए कोई दस्तावेज। 3 युवकों से पुलिस ने पूछताछ की। तो गौ तस्करी पर पुलिस एक्शन मोड पर दिखाई दे रही है। 93 गौवंशों को दूसरे राज्य ले जाया जा रहा था, जब पुलिस ने 3 युवकों से पूछताछ की तो उन्होंने कोई सार्थक जवाब नहीं दिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस मामले से जुड़े कोई भी दस्तावेज भी वो युवक नहीं दिखा पाए। कोंडा गांव के बासकोट चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गौ तस्करी पर पुलिस एक्शन मोड पर है। 93 गौवंशों को ले जा रहे थे दूसरे राज्य, बालोद से उड़ीसा लेकर जा रहे थे गौवंश। बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है परसगांव से, 93 गौवंशों को उड़ीसा लेकर के जाने का मामला। 3 युवकों से पुलिस ने पूछताछ की लेकिन उसमें कुछ भी निकलकर सामने नहीं आ पाया। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कुलजोत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलजोत, यहां पर बालोद से उड़ीसा लेकर के जाने का मामला गौवंशों का निकल कर आया है और वहीं पर 3 युवकों से पुलिस ने पूछताछ की है, कोई दस्तावेज भी ये नहीं दिखा पाए हैं, क्या कुछ अपडेट इस वक्त? जी, आपको बताना चाहूंगा कि कोंडागांव जिले में ये दूसरा मामला है एक सप्ताह के अंदर में। इससे पहले भी 43 गौवंशों को आंध्र प्रदेश की तरफ ले जाया जा रहा था कंटेनर में 10 चक्का वाहन पे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनको अपने कब्जे में लिया था और आरोपियों को जेल भी भेजा है। लेकिन वही आपको बता दूं, ये पैदल ले जा रहे थे बालोद से उड़ीसा, तो इससे कहीं ना कहीं ये दिखता है कि गौवंश जो तस्कर है वो सक्रिय हो चुके हैं। और यह खाली कोंडागांव जिले से होकर नहीं गुजरते, ये जब भी आते हैं दूसरे अन्य जिलों से गुजरकर होकर आते हैं, लेकिन कोंडागांव की पुलिस की मुस्तैदी के वजह से ये गौवंश के तस्कर पकड़े जा रहे हैं। ये कोंडागांव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।